बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है जनरल साइंस का, जो 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर हो चुके हैं इन सब से ये एमसीक्यूज लिए गए हैं, और ये एसएसटी, पीटी, डीएमसीटी, टीटी, एटी, पीएसटी इन सब पेपर से लिए गए हैं। इसके 14 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इसके लिंक जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अब इसका जो पार्ट है पार्ट 15 है, चलो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विच पार्टिकल ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिव, यानी कौन सा पार्टिकल एटम का होता है जो नेगेटिव चार्ज पे होता है, वो है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एएलएम्स ऑफ थ्योरम फ्लास्क इज टू स्टॉप डेशो फ्लोइंग आउट, तो ये क्या चीज़ करता है। इज टू यूज फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ हीट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द वाटर वेव्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड इज एग्जांपल ऑफ, यानी वाटर वेव्स जो होते हैं इसमें जो लहरें आती हैं ये किस चीज़ की किस्म है। ये ट्रांसवर्सल वेव्स होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कमेट्स रिवॉल्व अराउंड द, कमेट जो है ये किस चीज़ के लिए, यानी वो मदारों में हरकत करते हैं किस चीज़ से, सन से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFCs डैमेजेस दी, ये किस चीज़ को डैमेज करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये ओजोन लेयर्स को कम करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आउटसाइड द लिविंग सेल वायरस इज गेट कन्वर्टेड इंटू, यानी सेल्स के बाहर यानी खुलियों के बाहर वायरस क्या होते हैं, वो क्रिस्टल्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मेटल्स आर क्रिस्टलाइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, मेटल्स जो होते हैं उसमें क्या होती है, उसमें हाई डेंसिटी उसकी होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू सॉलिड ड्राई आइस बाय, ये किस चीज़ के जरिए सॉलिड ड्राई आइस में कन्वर्ट करते हैं, कूलिंग के जरिए। ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट मेनली टेक प्लेस थ्रू, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इसमें गैस का जो चेंजेस होता है वो किस चीज़ के जरिए होता है, वो स्टोमेटा के जरिए होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन, यानी कौन सा प्लानट जो होता है वो सन के नज़दीक है, मरकरी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एनिमल फैट रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस, तो ये किस चीज़ के जरिए पैदा करता है, ये सूप यानी एनिमल्स का जो फैट यानी चर्बी होती है उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो ये सूप इससे बनाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है कैन बी केमिकली प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये ड्राई सेल में होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अ टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस अ लाइटर ब्रीथिंग सिस्टम फॉर फायर फाइटर, ये एक टेक्नोलॉजी है जो एक लाइटर ब्रीथिंग सिस्टम जो है प्रोड्यूस करती है फॉर फायर फाइटर्स, इसको क्या कहते हैं, अपोलो कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आज और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान बैक्टीरिया क्या है, वो एक अच्छा डीकंपोजर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन इज, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। विजुअल स्टिमुलस फ्रॉम आइज इज कैरीड टू द ब्रेन बाय, यानी विजुअल स्टिमुलस जो होता है आइज ये क्या कैरीड करता है ब्रेन से, ऑप्टिकल नर्व्स के जरिए वो ब्रेन के जरिए जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट जो होता है फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इसको ग्लूकोज कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन कॉमन साल्ट सोडियम और क्लोरीन आर प्रेजेंट इन द रेशियो, कॉमन साल्ट के अंदर सोडियम और क्लोरीन का रेशियो कितना होता है, 1:1 होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाटर सोलेबल ऑफ ग्लूकोज, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वाटर सोलेबल ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज जनरली डिसिपेटेड बाय, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होता है सिस्टम में वो जनरली डिसिपेटेड बाय, वो किस चीज़ के जरिए
डिसिपेटेड होता है फ्रैक्शन के जरिए. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं. बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स विच कैन इफेक्टली सर्व इन एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, ये किस चीज़ के जरिए पैदा होती है? ये क्रॉस पोलिनेशन के जरिए पैदा होती है. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं. मास नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट, जो मास नंबर इलेक्ट्रॉन का होता है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं. इन एनवायरमेंट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मेनली लीड टू, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दो दफ़ा ये रिपीट हुआ है इसलिए मैंने इधर भी दो दफ़ा लिखा है दो पेपर में. ये ओजोन के डिप्लेशन करता है, यानी ओजोन के डिप्लेशन को नुकसान देता है. ओजोन का जो तह है, जो अल्ट्रा वायलेट रेस जो आती है सूरज से, वो वहाँ पर रुक जाती है और वो रेस जो होती है कैंसर का सबब बनती है. तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरे पास वीडियो. उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स एमसीक्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा. एडमिन आरिफ किंग के साथ अल्लाह हाफिज़.